इस न्यूज के प्रायोजक है। पद्मेश एक्स 500 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ इंस्टॉलेशन फ्री 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाएं पद्मेश एक्स 500 जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। जिला मुख्यालय से निकट ग्राम नैतरा में पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात हिंसक वन्य प्राणी की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो लगातार कोई हिंसक जानवर रात्रि में ग्राम में पहुंचकर उनके मूक जानवरों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है, लेकिन लोगों को नजर वह नहीं आता। लगातार बढ़ रही इन्हीं घटनाओं के बीच 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह एक परिवार के 3 बकरियों को उस अज्ञात वन्य प्राणी ने अपना शिकार बनाया। जहां घर के बाहर बने बकरियों के कोठे में मृत अवस्था में बकरियां पाई गई तो परिवारजनों ने सरपंच सहित वन अमले को इस बारे में सूचित की। मौके पर अमला पहुंचा लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही। कुछ ग्रामीण यह भी बताते कि सफ़ेद और धारदार पट्टी वाला जानवर है जो अभी तक गांव में लगभग 100 से अधिक बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि वन अमले को भी सूचित किया जाता है तो वन अमले के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। वहीं ग्राम नेत्रा के सरपंच संतोरी लारे ने भी इस मामले में वन अमले पर औपचारिकता निभाने का आरोप लगाया, जिन्होंने अज्ञात वन्य प्राणी को पकड़ने के साथ साथ बकरी मालिकों को भी उचित मुआवजा भी दी जाने की मांग की। अरे भैया 20 से 25 दिन हो गए ग्राम नेत्रा में, कुछ ग्रामीणों कहना जिन्हें देखे वो बोलते हैं कि जंगली जानवर है जो मुंडी ऊंची है, भूरा भूरा है, कई बोलते हैं अपन ने कुदाए भी भगाए जो भी है, और कम से कम 80-90 बकरी है इस ग्राम के। उन्होंने मतलब किसी को चाप के किसी के पोटे मतलब फाड़ के मार दिए। कितने दिन से सक्रिय है वो यहाँ पर, नहीं कितने दिन से यहाँ पर ऐसा है लगता है आप लोगों की यहाँ पर घूम रहा है वो? करीब करीब 1 महीने करीब लगा लो कि वो परेशान कर रहा है, जिससे गांव वाले का भी रात्रि में बाहर निकलना भी उबर हो गया है, क्योंकि डर उनको इतना है कि जंगली जानवर होगा कह के रात्रि में लोग बाहर नहीं निकलते, अपने टंगिया मसला वगैरह औजार लेके अब उनका सोना हो रहा है। कितने समय लगातार घटना चल रही है, वन अमले को आपने सूचित किया था क्या? वन अमले को सूचित किए थे, वो आए इस परिवार अभी कुछ देर पहले यहाँ बैठे थे आज, हो तो उन्होंने